अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहसिन अली और आज हमारे साथ हैं हेमत बलोच। हेमत बलोच तारुफ के मोहताज नहीं, बाद में मज़ीद इनकी तारुफ आपसे कराएंगे, लेकिन बाद में सबसे पहले हम आज बात करेंगे ईरा मंडी की। ईरा मंडी का नाम सुनते ही कुछ लोग चेहरा किल जाता है, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, पता नहीं बाय से कुछ ना कुछ रिएक्शन उनके फेसेस पे आ ही जाता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरा मंडी मुग़ल दौर में मौसीकी, रक्स, नाच गाने का मरकज़ हुआ करता था, और बाद अज़ान मुग़ल दौर के कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ पे कंपनी के जो अफसर थे उनके लिए बाकायदा ये बंदोबस्त किया गया था कि उनको एंटरटेन किया जाए, उनके जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। लेकिन ईरा मंडी का नाम ईरा मंडी कैसे पड़ा, इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ईरा मंडी का नाम जो है वो राजा रंजीत सिंह के बेटे ईरा, जो उनका नाम था, उनका यहाँ पे महल था, उसी के नाम से बाद में ये मंसूब हुआ कि ईरा मंडी। लेकिन इसकी तारीखी हकीकत कितनी है ये हमें नहीं मालूम। मतलब मौसीकी यानी रक्स यानी मुजरा, ये अहमद आप क्या समझते हैं माशरे के लिए ज़रूरी है? भाई आर्ट तो ज़रूरी होता है माशरे के लिए। अच्छा, आप समझे जैसे कि जितने भी आपके मुग़ल बादशाह रहे हैं उनके लिए कोर्टों में डांसर हुआ करते थे या तो उसके सिंगर हुआ करते थे, तो दैट्स व्हाई यानी कि वो उनकी नीड थी, ये हर किसी की नीड है। जैसे कि आप गाने सुनते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलती है, जब आप किसी की परफॉर्मेंस देखते हैं एज अ डांसर की या तो किसी और कोई फिल्म देखते हैं, फिल्म में कोई डांस वगैरह देखते हैं, तो आपको यानी कि उसमें प्लेजर मिलता है। दैट्स व्हाई ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप खुद को इंटरटेन कर रहे हैं या तो हार्ट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं तो आप उनको देखें, यानी कि उनसे कुछ सीख मिलती है। ज़रूरी है कि इंसान इन चीज़ों को अपनाएं और इनको देखते रहें। चले अहमद, अभी हम चूँकि ईरा मंडी गए थे तो हमने वहाँ के पुराने आर्टिस्ट जो तबले वगैरह बनाते हैं उनसे मालूम किया कि क्या आज भी यहाँ पे वही जोश व जज्बा है, यहाँ भी आज भी क्या आर्ट के ऊपर या मौसीकी के ऊपर वही महफिलें होती हैं, तो मायूस नज़र आए, उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यही है कि आपकी सोसाइटी में जितने डिस्ट्रक्शन हैं उनकी वजह से बहुत सारी जो हैं डांसर वगैरह हैं वो बैन हो गई हैं और वो ओपनली परफॉर्म नहीं करते, और जो पहले होते थे जैसे कि मुग़ल दौर में जो ओपनली परफॉर्मेंस वगैरह होते थे, डांस वगैरह होते थे, वो अब होते ही नहीं हैं। जैसे कि वो कोर्ट का जो अपना एक रंग होता था वो अब मिलता नहीं है, आपको कहीं एक दो का परफॉर्मेंस मिलते हैं जो शाही किला में मिलते होंगे जैसे कथक डांसर्स के, बट वो जो ट्रेडिशन चला आ रहा था मुग़ल दौर में जो ब्रिटिश आए थे उनके बाद उनका ये जो ना सब कुछ ख़त्म हो गया था। ख़त्म हो गया, मतलब हम ये कहें कि लाहौर का सगाफत किसी ज़माने में रक्स मौसीकी हुआ करता था, उनके सकाफत में ये चीज़ें शामिल थी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लाहौर अपने सकाफत से दूर गया? यानी लाहौर तो गया था, लाहौर तो पहले थोड़ा बहुत था ही, लेकिन 1971 में फिर लाहौर को फिर दूर किया गया था अपने आर्ट से। दैट्स वाई बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे और फिर अभी वापस आए हैं, देखते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या करें। उन्होंने अपने अकेडमीज खोले हैं परफॉर्मेंस हवाले से, अब मेरे ख्याल में थोड़ा बेहतर होगा। तो हम बात कर रहे थे आर्ट पे, पुराने लाहौर के जो कल्चर था उस पे। अहमद, बातों बातों में मैं पूछना, बोले अनारकली या अनारकली डिस्को चली या अनारकली से हवाले से बहुत सारी बातें मनसूब हैं, इनकी तारीखी हकीकत क्या है? वाकई सलीम जो है वो अनारकली के इश्क में इतना गिरफ्तार हो गया था कि अपने बाप से लड़ाई की? हाँ, ये तो बात हकीकत है कि अनारकली के इश्क में गिरफ्तार हो गया था, लेकिन हमने जो ना अफसानों में पढ़ा है और हमने फिल्म देखी थी मुगले आजम, हमको लगा कि वाकई में अनारकली तो इतनी खूबसूरत सी औरत हो, सुबह नहीं मैं भी यही समझता हूँ। मैं तो समझता था कि वो मधुबाला जैसी थी। हाँ, ये मैं भी समझता हूँ। टी क्या, टी से मुराद क्या है, इसको वाजे करें। क्योंकि अनारकली हम जब रिसर्च कर रहे थे, डॉक्टर शौकत साहब ने हमें कहा था कि अनारकली वाज अ मेल, अनारकली वाज अ मेल, ये दुरुस्त, ये रिसर्च की बात आप बता रहे हैं। देखें देखें, अनारकली जो हमें बतौर लड़की दिखाया गया तारीख में, ये कह रहे हैं कि अनारकली जो है वो मर्द थे। और सलीम कौन थे? सलीम तो सलीम ही थे। फिर मर्द का मर्द के साथ कोई ताल्लुक? हाँ, तो ये वजह गए नहीं करें बादशाह सलीम जहांगीर के नाम से जो मंसूब है मुगल दौर में, वो गए थे। That's why, तो फिर उनकी लड़ाई हुई थी, वरना अगर कोई फीमेल होती तो वो एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि अगर आप मुजरों और इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये भी तो इतनी बड़ी बात नहीं थी कि आप एक फीमेल को एक्सेप्ट ना करें, अगर कनीज भी क्यों ना हो, लेकिन इट वॉज अ मेल, दैट्स वाई ही डिडंट एक्सेप्ट।
सलीम टू मेरी हिम। तो ये रिसर्च किन्होंने किया है? डॉक्टर शौकत। डॉक्टर शौकत साहब ने। डॉक्टर शौकत प्रोफेसर इन पंजाब यूनिवर्सिटी। चलें जी, डॉक्टर शौकत की रिसर्च भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और रसाई हासिल करेंगे। लेकिन ये आपने हमारे मालूमात में काफ़ी इजाफा किया है कि सलीम वॉज गे। चलो बुरा नहीं है यार, बाय नेचुरल ही होते हैं। अगर कोई बाय नेचुरली है तो खुदा की कुदरत है, हम तो खुदा से सवाल नहीं कर सकते ना, तो उसे एक्सेप्ट ज़रूर कर सकते हैं। कोई गे है तो उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, क्यों? हमने तो नहीं किया, हमने तो नहीं किया, बाय नेचुरली है। तो ये है आर्ट के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने अब तक कौन कौन से इकदाम किए हैं, जैसे कि एक अदद इदारे भी बनाए, जैसे कि लाहौर में कौन सा इदारा है? अलहमरा। अलहमरा, कराची में नाफा है। नाफा प्राइवेट है? चले जो भी, लेकिन ये इदारे कुछ ना कुछ शक्ल में कराची और लाहौर में मौजूद हैं। बलूचिस्तान में ऐसा कोई इदारा है आपको पता है? नहीं भाई, बलूचिस्तान में कभी काम नहीं हुआ है। अरे बलूचिस्तान इस कदर गरीब है, अभी एक आर्ट का इंस्टीट्यूट भी नहीं बनाया यार, अफसोस। लेकिन आप क्या समझते हैं कि मकामी सतह पे हम क्या ऐसे आर्ट को फरोग देने के लिए कुछ इदारे बना सकते हैं? भाई आपके खुद के जितने भी परफॉर्मर हैं जो काम कर रहे हैं वो अपने आप काम कर रहे हैं, उन पर कोई गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं है। जो फिल्म मेकर हैं या तो फिर परफॉर्मिंग आर्ट हैं या तो कोई थिएटर वगैरह करता है, या तो मैंने सुना है कि जो खेरजान अकेडमी है वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत सिखाते हैं, वो अपने आप में ही सिखाते हैं गवादर में। बट मुझे नहीं लगता कि हाँ उतना जो सीख सकते हैं जो बाकी जो आर्टिस्ट हैं जो पढ़ के आते हैं वो सिखाते हैं तो उतना वो सीख सकते हैं, उतना मुझे नहीं लगता कि वो सीख रहे हैं या तो सीख सकें, उतना तो नहीं सीखे हैं। और ख़ासकर तो जो फीमेल हैं वो तो इस फील्ड में तो बहुत ही पीछे हैं। चले अहमद, आखिर में आप क्या हमें रक्स दिखाएंगे हमारे देखने वालों को? आप जिस पे कुदरत रखते हैं बलोच माशरे में, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, जिस के लिए आपने इनकलाब बर्पा कर दिया है, क्या आप हमें दिखाएंगे वो? हाँ जी, क्यों नहीं। चलें जी, अहमद का मशहूर रक्स देखिए। Yeah.
सुनने पड़ी है जहाँ तक, वो तहमीज़ के साथ बैठकर लोग मुजरा देखते थे, रक्स इंजॉय करते थे, मौसीकी से मोहब्बत करते थे। आज आजकल इस कदर वल्गर क्यों हो गई, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? क्योंकि अब देखें, आर्ट के हवाले से अगर हम बात करें कि आर्ट का मुस्तकबिल क्या है, और आर्ट के मुस्तकबिल के लिए काम यानी कि बहुत कम हुआ हुआ है हमारे पाकिस्तान में, तो बहुत कम हुआ, और बलूचिस्तान में तो न होने के बराबर है। अभी थोड़े बहुत सोशल मीडिया में थोड़ी सी प्रमोशन हो रही है कि आर्ट को प्रमोट किया जाए, बट उतनी नहीं हुई है, क्योंकि आर्ट के लिए, प्रमोशन के लिए आपको इदारे चाहिए होते हैं कि जो काम करें आर्ट के लिए, वो अभी तक हुआ नहीं है। जब इदारे बनेंगे काम के लिए तो तब जाके आर्ट प्रमोट हो सकता है। जैसे कि आप यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, कॉलेजेस बनाएं आर्ट के हवाले से, तो परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से तो बलूचिस्तान में तो कुछ है भी नहीं। अच्छा भैया, और हम बात करें मुजरों की, जैसे कि पुराने ज़माने में होता था, जैसे कि मुजरे होते थे, यानी कि मुजरे का मतलब होता है कि बैठ के गाना और उसमें से जो है ना इशारों के साथ आपने जो ना मूवमेंट करने हैं, एंड मूवमेंट करने हैं। आजकल देखें, अब यहाँ पे पंजाब में जो कल्चर बना हुआ है मुजरों का, यहाँ तो फिर कराची में जितने मुजरे होते हैं उसमें, यानी कि वो मुजरा नहीं होता है, उसमें सेक्सुअलिटी ज़्यादा होती है, उसमें जो वल्गैरिटी होती है जिसको, यानी कि आर्ट को उन्होंने ख़त्म करके वो जो सेक्सुअलिटी है उसको ज़्यादा प्रमोट किया गया है, क्योंकि उसमें कोई फैमिली तो जाती नहीं है। उसमें जो बुड्ढे होते हैं और जिनका कोई जी भरता है फिल्मों से, तो फिल्में नहीं देखते हैं। एक शेर है कि कौन कहता है कि बुड्ढा इश्क नहीं करता, बुड्ढा इश्क तो करता है पर उसके ऊपर कोई शक नहीं करता। तो यही होता है, देखें आप वीडियोस वगैरह में देखें, उसमें मेल डोमिनेट होते हैं और एक परफॉर्म, यहाँ तो ख्वाजा सरा होती है परफॉर्म कर रही होती है, यहाँ तो कोई फीमेल होती है परफॉर्म कर रही होती है, तो उसमें ऑडियंस सारे मेल ही होते हैं। यस, थैंक यू, वेलकम।